उमानंद मंदिर असम के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। दुनिया के सबसे छोटे बसे हुए नदी द्वीप के रूप में जाना जाता है। आज हम जा रहे हैं उमानंद टेंपल। उमानंद टेंपल ये पीकॉक आइलैंड में स्थित है। अभी जालुकबारी से हम निकले हैं। जालुकबारी से उमानंद टेंपल जाने के लिए लगभग आधा एक घंटा समय लगता है। 15 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है लगभग, और आप बाइक से या बस से भी जा सकते हो। बाय द वे, पीकॉक आइलैंड ये दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड बोला जाता है। ब्रिज का काम की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रही थी सिटी में। आफ्टरनून था इसीलिए थोड़ा ट्रैफिक कम लगा, नहीं तो शाम के वक्त बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। जिस पर्वत पर उमानंद मंदिर बना है उसे भस्मकाल नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र द्वीप पर होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए सरकारी और निजी दोनों तरह के फेरी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे जो है मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं गूगल मैप से एक जगह पे आया, कचरही घाट इस जगह पे। वहाँ पे नीचे जाने के बाद में पता चला कि हमें जो है बोट में जाने के लिए और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। गूगल मैप का जो लोकेशन है थोड़ा सा इन एक्यूरेट है, तो बोट में जाने के लिए पीछे जा रहे हैं हम अभी। सो लेट्स गो। यहाँ पे अभी गाड़ी पार्क किया है और यहाँ से जो नीचे आ गए ये जौलपुरी के लिए बोट से जाना है, तो टिकट लेना पड़ेगा। भैया कितना टिकट है? एक पर्सन का 200 रुपीज़ टिकट। जो बोट था ये VIP लोगों के लिए था, 200 पर पर्सन इसका चार्ज था। वहाँ पे आगे भी है, वहाँ पे जो हम जा रहे हैं वहाँ पे 20 रुपीज़ में टिकट है। लचित घाट में आने के बाद में आपको यहाँ से फेरी मिलेगा। ये जो टेंपल है मोस्टली जो फैमिलीज है या टूरिस्ट लोग है ये ज़्यादा प्रीफर करते हैं लचित। सो अभी जो है मैं लचित घाट पे, यहाँ पे जो है काफ़ी लंबा लाइन लगा है पीछे टिकट निकालने के लिए, बट आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हो। 20 रुपीज़ प्लस टैक्स यहाँ पे चार्ज लगेगा आपको। टिकट तो ऑनलाइन बुक कर दिया है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे जो है ये प्लेटफॉर्म है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस है। गुवाहाटी सिटी में आते हो तो ये तो देखना बनता है। ये जो जगह है ये काफ़ी मतलब सुकून देने वाला है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है और आपको फेरी में जाने का एक अलग ही मज़ा यहाँ पे अनुभव करने के लिए मिल जाता है। अगर आप जल्दी आओगे, क्यों में फर्स्ट आओगे, तो आपको बैठने के लिए जगह मिलेगा। नहीं तो बाहर जो है आप व्यू का एंजॉय भी कर सकते हो। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं और बाहर जाएंगे। सायरन बजने के बाद में यहाँ से अभी बोट निकलेगा। मेरे ख्याल से जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहते हैं बड़े जगह पर, ये सायरन का जो सुविधा है आज भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। और ये भैया है जयपुर से, तो भैया कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। और आप कब आए हो गुवाहाटी? अच्छा, कल आए हो। और ये जगह के बारे में कैसे पता चला? हमें यूट्यूब से ही पता चला। अच्छा, तो भैया काफी वाइफ है, ये मेरा फ्रेंड है, हाय, ये हमारे बच्चे हैं। देखो देखो देखो, आए करो आए करो आए करो, इनू आप भी आए करो, आप भी आए करो। NDRF की टीम हर फेरी की आवाजाही पर बारीकी से नजर रखती है और यात्रियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। लगभग 10-15 मिनट का समय लगता है हमें ललित घाट से उमाकांत टेम्पल आने के लिए। बोट में भीड़ ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी हमें 1-1.5 घंटा वहाँ पे वेट करना पड़ता है। उसका पर्टिकुलर बोट का टाइमिंग वगैरह भी है, अभी पहुँच जाएंगे 2 मिनट में। पीकॉक आइलैंड पे आते हैं तो ये यहाँ से नॉर्थ गुवाहाटी का भी व्यू हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ हर साल शिवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर तो अपने आप में ही खूबसूरत ही है, पर मंदिरों के चारों ओर बहने वाली ब्रह्मपुत्रा का नज़ारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। चलो फाइनली
पहुंच गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो सीढ़ियाँ है चढ़ने के बाद में आप एक जगह पे आते हो, यहाँ से लेफ्ट आओगे तो आपको एक हनुमान जी का मंदिर है। ऊपर आने के बाद में लेफ्ट साइड में हम जब नीचे आएंगे फिर से जो है एक हनुमान जी का मंदिर है पीछे, और नीचे जो है आप पानी में अगर उतरना है तो जा सकते हो, और राइट साइड में उमानंद टेम्पल है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप नीचे पहाड़ जो है उतर के पानी में भी जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है तो आपको एक फेरी मिस करना पड़ेगा। मतलब ऐसे रहता है कि आप जिस फेरी से आते हो, जिस नाव से आते हो, उसी नाव से आपको वापस जाना पड़ता है, और वो एक घंटे का समय रहता है। बट अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आप जो एक फेरी स्किप करके दूसरे फेरी से भी रिटर्न जा सकते हो। इसे हमारा जो बोट है यहाँ से निकल जाएगा, मैं जो है नेक्स्ट जो बोट है उसमें रिटर्न जाने वाला हूँ। सो अभी कुछ ड्रोन शॉट लेते हैं यहाँ पे, सो लेट्स सी। जब ऊपर आएंगे उमानंद टेम्पल है इधर राइट साइड में, सो चलो ऊपर जाते हैं अभी। बुजुर्ग भक्तों को पीने के लिए पानी साथ में लेकर जाना पड़ता है। उमानंद टेम्पल ऊपर आने के बाद में आपको अंदर जो है भक्तजनों का काफ़ी भीड़ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अगर कुछ फेस्टिवल या सोमवार वगैरह रहता है तो काफ़ी बड़ी लंबी लाइन रहती है, और महाशिवरात्रि में तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। काफ़ी देर तक आपको यहाँ पे 2-3 घंटे या उससे भी ज़्यादा दर्शन लेने के लिए वेट करना पड़ता है। बट अगर आप वो वेट कर लेते हो, उतने समय तक लाइन में रहते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है और पीसफुल एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है। शक्तिपीठ में अलग अलग भैरव होते हैं और माता के साथ साथ उनके दर्शन भी करने चाहिए, उसके बाद ही माता शक्ति के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। इसलिए कामाख्या मंदिर की यात्रा उमानंद मंदिर के दर्शन किए बिना पूरी नहीं होती है। शाम के समय 4:30 बजे जो है यहाँ पे लास्ट बोट या लास्ट फेरी रहता है, उससे आपको रिटर्न आना पड़ता है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा लेट जाके ये जो लास्ट वाला फेरी रहता है उसी से रिटर्न आओ, क्योंकि अगर इससे रिटर्न आओगे तो शाम के वक्त जो आगे सनसेट होता है उसका व्यू काफ़ी सुंदर लगता है। और लास्ट में जो है जो सनसेट है, बोट में से सनसेट देखने का एक अलग ही मजा आपको अनुभव करने के लिए मिलेगा। सो दैट्स इट गाइज, ये छोटा सा वीडियो था पीकॉक आइलैंड के बारे में, उमानंद टेम्पल के बारे में। वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, बाय बाय। मंदिर के पीछे पौराणिक कथा। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ भयानंद के रूप में निवास किया था। कालिका पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में शिव ने इसी स्थान पर अपने शरीर पर भस्म लगाकर माता पार्वती को ज्ञान प्रदान किया था। भगवान शिव इस पहाड़ी पर ध्यान कर रहे थे, तब कामदेव ने उनका योग बाधित कर दिया, और इसलिए शिव के क्रोध की आग से जलकर राख हो गए, और इसलिए पहाड़ी को भस्मकल नाम मिला।